आप आइए अपने वास्तु वाले बंदे को लेके, एंड आई प्रॉमिस यू दिस हाउस ही विल ऑल्सो से ही लव्स इट। Hey guys, my name is Dipankar and स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Illuminati Ventures में। काफी दिन बाद आज आपसे मिल रहे हैं। Unfortunately, फुर्सत ही नहीं मिलती हमें। आप लोग इतना प्यार और परेशान करते हैं, एट द सेम टाइम हमें बिल्कुल मौका नहीं लगता आपकी वीडियोस बनाने के लिए। Nevertheless, आज हम कहां पर हैं? आज सुशांत लोक वन बी एज इन बॉम्बे ब्लॉक ईस्ट फेसिंग एंड वन ऑफ अ काइंड, एक ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी 300 गज ब्रांड न्यू। अभी जहां मैं खड़ा हूं ये स्टिल्ट एरिया है। अगर आप देखेंगे 300 गज में एक कमाल का काम किया गया है। कमाल का काम क्या है? 1, 2, 3, 4 हर फ्लोर के लिए इंडिविजुअल पार्किंग। ये तो मजाक ही हो गया, 300 गज में ये चीज मिलती नहीं है, बट यहां मिलेगी। 1, 2, 3 और 4 सबके इंडिविजुअल गेट्स। एक गेट ये, एक गेट ये, एक गेट ये और फाइनली एक गेट ये। उससे ऊपर अब क्या बताऊं मैं आपको, इस प्रॉपर्टीज में खासियत ही खासियत है। स्टार्टिंग करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट से। तो यहां पर आपको सीसीटीवी मिलता है, ये देखिए सीसीटीवी, और वो देखिए एक और सीसीटीवी। ये सारा कंट्रोल्ड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सीसीटीवी सिक्योरिटी हो गई, कोई आएगा जाएगा ऑब्वियसली आपको पता चलेगा, जो एंट्री करेगा वो रिकॉर्ड होती है और आप प्लेबैक करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट बैरियर टू एंट्री मिलेगी। यहाँ से कोई आएगा क्योंकि आप अपने घर पे बटन दबा के उनको अंदर आने की परमिशन देंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं। यहाँ पर आपकी वाटर टैंक्स मिलते हैं आपको, अंदर से सारा टाइल्ड है। मतलब अगर सफाई की बात करें, आप आराम से यहाँ पर अपने वाटर टैंक साफ कर सकते हैं। टाइल लगाना भी एक पेन इन दी बैक पार्ट है, बट ये बिल्डर इज रेडी टू डू दैट फॉर यू। आइए, तो ये कुछ इसका पार्किंग है। हर फ्लोर को जो है दो गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ये बेसिकली आपके सारे पावर का कनेक्शन यहाँ पर मिलता है आपको। एंड यहाँ मैंने जैसे बताया सिक्योरिटी पॉइंट से पूरे नंबर हैं। अगर यहाँ देखें तो पीछे से जाल लगा हुआ है, ये देखिए ऊपर तक जाल लगा हुआ है। यहाँ कुछ ये 7 quarters हैं। अब जिस घर के 7 quarters ही काफ़ी अच्छे हों, आप लगा लिए हिसाब किताब कि फ्लोर कितना अच्छा होगा। आइए एक थोड़ी सी लुक एंड फील देख लीजिए। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा काम चल रहा है, बट एक साइज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अगर आप देखें अच्छा बड़ा साइज है 7 quarters का। मूविंग अहेड, ये मेरे राइट पे इसका बाथरूम है और लेफ्ट पे इसका टॉयलेट है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि हर चीज जो है बड़ी थॉटफुल बनाई गई है। मतलब जो होता है ना, आदमी गलती कर करके सीखता है, ये बिल्डर कुछ उस तरीके से। मतलब इन्होंने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कोई भी नुक्स मतलब नहीं है, इस तरीके से काम किया गया है। यहाँ से हम एंटर करते हैं, ये पॉश और बड़ी अप मार्केट एक फील देता है। ये इसका एक एंट्री है। यहाँ से भी कोई आएगा आपके घर की घंटी बजाएगा, ये फोटो आएगी आपके उसके सिस्टम पे, एंड देन यू ओपन द डोर फॉर देम एंड दिस इज वेयर दे कम इनटू दिस कॉमन लाउंज एरिया और द वेलकम एरिया। यहाँ पर अच्छे से आप सोफे लगाइए। अब कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं, मेरी वॉइस थोड़ी एको कर रही होगी, बट मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली वेटिंग एरिया है, कोई आपके स्विगी जोमैटो, और कई बार मेरा पार्टनर कहता है कि कोई फैक्ट्री से पेपर्स आने आए, तो ये वो एरिया है। काफ़ी अच्छा बना, बढ़िया कर रखा है। ये आप देखिए तो वॉलपेपर है, अच्छा सा मिरर वर्क, एंड ये आपका सीसीटीवी। ब्यूटिफुल इज़न्ट इट? मतलब ये सब चीज़ रेडी मिलती है आपको। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आपका एफर्ट कम लगता है। यहाँ पर आइए, अपना बढ़िया सोफा लगाइए, कोई घर में आएगा आपकी इज्जत बढ़ती है। आइए, शिंडलर की लिफ्ट लगाई हुई है, एफिशिएंसी शिंडलर की लिफ्ट है, अच्छी बड़ी लिफ्ट है। ये कुछ लिफ्ट की लुक एंड फील है, शिंडलर की लिफ्ट है। गुड इनाफ फॉर 7 people, 476 kgs। मेरे जैसे सिर्फ 2 ही आएंगे, बट नॉर्मली 7 लोग आ सकते हैं। आइए, हम सेकेंड फ्लोर का बटन दबा चुके हैं, नाउ वी गोइंग टू द सेकेंड फ्लोर। अवेलेबिलिटी के लिए आप मुझे फोन करेंगे, इसमें फिलहाल अवेलेबिलिटी है, एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट इट वंस यू कॉल मी। एंड इन द मीन टाइम
लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड फ्लोर। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि कोई नुक्स नहीं है, वो नुक्स का क्या बता रहा था मैं आपको, अगर कोई आपके खुदा ना खास्ता घर में पेशेंट है जो व्हीलचेयर यूज़ करता है या इमरजेंसी में व्हीलचेयर पे जाना चाहता है हॉस्पिटल, तो ये लिफ्ट जो है पूरा उसी हिसाब से बनाई गई है, थॉट बनाया गया है कि व्हीलचेयर आराम से फिट हो और वो इंसान जो लेके जाए वो भी फिट हो। सो कमिंग बैक टू द मेन थिंग, द हीरो ये घर, आई एम सॉरी थोड़ा सा मुझे सस्पेंस क्रिएट, वापस जाओ। तो हम अब आ गए हैं एंट्री पे। अच्छा, 300 गज बी ब्लॉक सुशांत लोक वन सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज प्योर ईस्ट फेसिंग एंड नॉर्थ एंट्री, क्या चाहिए भाई साहब, आइए। सो वेलकम माई फ्रेंड्स, एंड दिस इज द ब्यूटिफुल नॉट सो एग्जैजरेटेड ब्यूटिफुल लिविंग रूम। देखिए कितना अच्छा बड़ा सुंदर लिविंग एरिया, यहाँ पर आप देखें सामने बैल्कनी मिलती है, सामने का व्यू देखिए, सब कुछ टॉप लेवल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, A++++, सब कुछ A++ है। अच्छा, ये देखिए कुछ लुक एंड फील, ये देखिए यहाँ पर आपका लिविंग एरिया आ गया, यहाँ पर आप अपना अच्छा काउच लगाइए, एल शेप यू शेप, अच्छा बड़ा कार्पेट रग लगाइए, कॉफी टेबल रखिए, अच्छा बड़ा 65 इंच का टीवी लगाइए, ऊपर आपका एसी आ जाता है, सारा इटालियन मार्बल थ्रू एंड थ्रू आउट। जिसको नॉलेज है प्लीज आइए मुझसे मिलिए, मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताऊंगा, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं इसकी। बहुत ही अच्छा पीओपी का काम किया गया थ्रू एंड थ्रू आउट द हाउस। यहाँ पर देखेंगे तो मिरर वर्क, प्लीज यहाँ से देखेंगे, ये देखिए मिरर वर्क ऑन द वॉल्स, यू गेट दिस ब्यूटिफुल डार्क ब्राउनिश मिरर वर्क, बहुत सुंदर लगता है, एंड दिस इज वॉट यू गेट हियर एज वेल एंड देयर एज वेल। वास्तु के हिसाब से पूरे नंबर हैं, 100% तो कुछ भी नहीं होता, बट हाँ कहीं 85-90% आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आप आइए अपने वास्तु वाले बंदे को लेके, एंड आई प्रॉमिस यू दिस हाउस ही विल ऑल्सो से ही लव्स इट। यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया आता है, आराम से आप 8 सीटर 10 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका एसी का पॉइंट भी दे रखा है, पूरा अच्छा मतलब एक्सपेंस देखिए आप, बहुत सुंदर है, एक्सीलेंट स्टफ। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आएंगे, ये लाउंज एरिया बन जाता है बेसिकली फॉर योर फैमिली टू स्पेंड टाइम, यू कैन एक्चुअली हैव योर काउच हियर और हियर, एंड यू कैन हैव योर टेलीविजन हियर एज वेल, एक पर्सनल लाउंज एरिया बन जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है इस बिल्डर का, अभी एक्चुअली इन बिल्डर साहब के बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो अगर आपको 300 नहीं ज़्यादा बड़ा चाहिए, मे बी 400, 1800, 500, यू कैन एक्चुअली कॉल मी एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। चलते हैं सबसे पहले हीरोइन से मिलने, हीरोइन कौन होती है, वो होती है आपके घर की किचन, आइए जहाँ आपकी धर्मपत्नी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए, ये वो एरिया है जहाँ देखेंगे फेवर का आपको हॉब मिल जाता है, एंड फेवर की ही आपको चिमनी मिल जाती है, मतलब जो एक ऑफ वाइट थीम दिया गया है, इट इज़ टू डाई फॉर। अच्छा, यहाँ पर आपकी स्टोरेज है, अगर आप सारी चीज़ देखें सब ब्रांडेड है, ये सॉफ्ट क्लोज में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए ऑल इन सॉफ्ट क्लोज, सारा ही सॉफ्ट क्लोज है, यहाँ पर आपको माइक्रोवेव और ओवन मिल जाता है, यहाँ पर देखेंगे देखिए स्टोरेज, दिस इज व्हाट आई कॉल लेटेस्ट स्टफ, अच्छी चीज बनाई गई है, बहुत ही सोबर, नथिंग लाउड, अच्छी चीज बनाई गई है। यहाँ पर आपका सिंक आ जाता है, स्टोरेज की बात हो चुकी है, सामने ही आपको एक मेश मिल जाता है फॉर दोस टाइम्स, अगर थोड़ी गर्मी पड़ जाती है, आप इसे खोलिए, वेंटिलेशन है पूरी, और ये मैश बंद कर दीजिए ताकि गर्मियों में आपके घर में मच्छर नहीं आए। एक लुक एंड फील दिखा देता हूँ आपको इस जगह की, प्लीज़ आइए। करंटली मैंने बोला मैं बी ब्लॉक के अंदर हूँ, तो सामने अगर देखेंगे बी ब्लॉक बस ख़त्म ही होता है और सामने DLF फेज 4 शुरू हो जाता है, सो दिस इज दैट पार्ट ऑफ दी एरिया। ये नीचे देखेंगे, ये देखिए लोगों ने कितना सुंदर अपना एरिया बना रखा है, दैट इज ऑब्वियसली उन्होंने पर्सनली अपना पार्किंग बना रखी है, देखिए कितना अच्छा ग्रीन एरिया, लुक्स लवली। आइए वापस आते हैं अपने लिविंग एरिया में, अगर हम थोड़ा सा पैन करें कैमरा ऊपर, तो यहाँ देखिए आपको ये फ्लूटेड पैनलिंग हो रखी है, यहाँ देखिए बिल्कुल सुंदर, यह पूरा का पूरा फ्लूटेड पैनलिंग हो रखी है, बहुत ही सुंदर लगता है, और ये लेटेस्ट है, ये हर घर में आप देखेंगे ना, बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव स्टफ। एनीवेज वापस चलते हैं, ये छोटा सा एक एरिया दे रखा है, यहाँ मंदिर बनाना है, मंदिर बनाइए, यू वांट टू कीप अ शो पीस हियर, Totally your call. So अब चलते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ, प्लीज कम इन। ये वो बेडरूम है जो इसका बेसिकली आप गेस्ट को वॉशरूम एक्सेस दे सकते हैं,
यहाँ पर पाउडर रूम की फैसिलिटी नहीं मिलती, सो गेस्ट बेडरूम और गेस्ट बाथरूम ऐसा बनाया गया है कि आपके जो गेस्ट आएंगे आपको पूरे नंबर देंगे और वापसी जाते हुए दिल एक्चुअली थैंक यू यू नो अपना घर में बुलाने के लिए आइए। तो ये कुछ लुक एंड फील है गेस्ट बाथरूम की, टोटली योर कॉल, आपको वह पीछे बनाना है बना लीजिए, बट आइडियली लिविंग एरिया के पास जो बाथरूम होता है या डाइनिंग एरिया के पास जो बाथरूम होता है वही गेस्ट बाथरूम कहलाता है स्लैश द पाउडर रूम। प्लीज वॉक इन, अमेरिकन स्टैंडर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको अच्छा बड़ा एक शार कैबिन मिल जाता है एंड यू नो वट, आपके गेस्ट जानबूझ के आपके बाथरूम में नहाना चाहेंगे बिकॉज इतना सुंदर है, बहुत अच्छा बड़ा बाथरूम है। ये रेन शावर देखिए कितना बड़ा अच्छा शावर मिल जाता है, वेट नेट सुंदर तरीके से बनाया गया है, एक ब्राउन थीम दी गई है। नीचे देखेंगे तो ये टाइल वर्क आपको अच्छा मिल जाएगा मैचिंग विद दी इंटायर वॉशरूम। यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाती है। बात करते हैं गेस्ट बेडरूम की, ये देखिए पूरा पूरा पीओपी, बहुत ही सुंदर। आप अगर थोड़ा सा देखिए ना दूर से एक बड़ा अच्छा सा एक लुक आती है, वेरी अप मार्केट। पूरा वॉलपेपर दिया गया है एक अच्छा ब्राउनिश, अगर आपको कैमरे में दिख नहीं रहा है बहुत अच्छा सुंदर ब्राउनिश विद अ लिटिल यू नो स्पार्कल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है। साथ में इसको और ब्यूटिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिलती है। ये वही पैन करें नीचे तो ये वही आपको इटालियन मार्बल मिलता है जो आपको बाकी पूरे घर में मिलेगा। फैंस ऑब्वियसली हेवल्स के लगे गए हैं, आपको अपना बस एसी और सामान लेके आना है, एसी की जगह यहाँ दे रखी है एंड देयर यू गो योर हाउस इज अप एंड रनिंग। आइए सो गोइंग फ्रॉम रूम नंबर वन अगेन वी एंटर द लिविंग एरिया। यहाँ से मैं फिर रिकैप कर देता हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर किचन है एंड यहाँ पर इनका डाइनिंग एरिया और वहाँ पर इनका लिविंग एरिया। अब हम जहाँ खड़े हैं ये इनका एक लाउंज एरिया है। अब एक जादू दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ कुछ है, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? भले मैं क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जादू है। ये देखिए ये एक दरवाज़ा है, आइए ये है रूम नंबर टू गेस्ट बेडरूम, बच्चों का रूम, जो बनाना है बनाइए, छोटा कमरा है। अगर डायमेंशन की बात करें 12 बाय 12 का आपको ये कमरा मिल जाता है और साथ में यहाँ पर छोटी सी आपको एक शाफ्ट मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर शाफ्ट है, वही वॉलपेपर को जो हमने डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में देखा या उस बेडरूम में देखा वही यहाँ पर यूज किया गया है। साथ में आपको मिलता है एक 5-स्टार बाथरूम, बढ़िया बढ़िया बाथरूम मिलता है आपको। यस आपको यहाँ 5-स्टार बाथरूम मिलता है, सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब जिसका पेट खराब हुआ उसे मजे आने वाले यहाँ पर, बहुत बढ़िया बाथरूम है, आराम से बैठेगा बंदा, एंजॉय करेगा। यहाँ पर आएंगे अगर हम तो ये है इसका क्यूबिकल, अगेन वही साइज का आपको एक शार मिल जाता है, अच्छा बड़ा साइज का क्यूबिकल मिल जाता है। अब पता नहीं दो लोग नहा सकते हैं नहीं नहा सकते, बट एक तो डेफिनेटली नहा सकता है, प्लीज आइए। काफी गर्मी है, फॉर गुड लक एंड हमारी गर्मी के लिए और हमारे पसीने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर सच वीडियोस, हमारी बाकी भी देखिए वो भी अच्छी हैं। आइए तो हम अब जा रहे हैं हमने आखिरी दो कमरों के अंदर, विच इज नाउ द मास्टर बेडरूम एंड रूम नंबर 3। तो पहले हम दिखाते हैं आपको रूम नंबर 3 फिर मास्टर बेडरूम। आइए तो रूम नंबर 3 में एंटर करते ही हमें वही वॉलपेपर मिलता है, अच्छा बड़ा वॉलपेपर है पूरा, अच्छा बड़ा वॉलपेपर क्या होता है भाई साहब, अच्छा बहुत सुंदर वॉलपेपर है और यहाँ पर आपको मिलता है वही पैनलिंग यहाँ पर एंड वही पैनलिंग यहाँ पर, आपका हेडबोर्ड यहाँ पर आएगा, सामने आपका टेलीविजन आएगा, यहाँ पर आपके कर्टन्स आ जाएंगे एंड देयर यू गो आपका लिविंग एरिया या सॉरी ये आपका बेडरूम तैयार हो जाता है। एसी की जगह वहाँ दे रखी है। कमाल की बात है कि जो कोब लाइटिंग देखिए, ये छोटी छोटी कोब लाइट्स नहीं है, लोग ना 100-100 लगा लेते हैं, 20-20 लगा लेते हैं, गिनती की हैं और बहुत सुंदर और डिसेंट लगती है। एनीवेज यहाँ से चलते हैं इसके बाथरूम में, कैमरामैन को बहुत जल्दी है, पहले वो घुस जाए, भाई तुम जाओ बिल्कुल जाओ, ये होता है अनप्रोफेशनल कैमरामैन। चलिए भाई साहब हम आ जाए, थैंक यू, मुबारक हो, आइए चलो। अच्छा हम आ गए अब इसके बाथरूम में, बाथरूम में अगेन यहाँ स्टोरेज मिलती है, अभी फिलहाल लॉक्ड है, एक्चुअली काम खत्म हो रहा था, जो महंगा महंगा सामान होता है वो अंदर बिल्डर लॉक करके ना तो वो लग रहा है, बट अच्छे मैंने खुद देखे हुए हैं, वार्डरोब सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, लॉक लेवल तक है, अच्छी स्टोरेज है। यहाँ पर क्वालिटी को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है पूरा घर, तो बेफिक्र होके इनकी प्रोडक्ट्स लीजिए, इनकी बिल्डिंग्स लीजिए, इनके फ्लोर्स लीजिए,
कहीं नहीं भिजा रहे, ये बहुत रेप्यूटेड लोग हैं और बाकी तारीफ में बात नहीं करूंगा। यहां पर देखते हैं इनका क्यूबिकल और ये वही क्यूबिकल है जो मेरा पार्टनर हमेशा बोलता है दो लोग आने वाला, ये वहां पर है, दो लोग आराम से आ सकते हैं, एक बैठ सकता है, एक नहा सकता है, दूसरा वाला बैठ जाएगा, पहले वाला नहा लेगा। आइए, यहाँ पर वही रेन शावर आपको मिलता है काफी बड़ा, यहाँ पर अच्छा खासा टाइल वर्क किया गया है, नीचे देखेंगे बहुत सुंदर ग्रेश, हर एक बाथरूम में मोनोटोनस, इंग्लिश आती है नहीं है बोलना, हर एक बाथरूम में मोनोटोनी तोड़ने की पूरी कोशिश करी गई है। आइए, सो गोइंग फ्रॉम हियर, दिस इज वेलकम 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 हीरो ऑफ द आवर, ये है आपका मास्टर ब्यूटीफुल बेडरूम, ये है वॉलपेपर यहाँ पर, यहाँ पर आप अच्छा सा कोई वेस्ट लगाइए, और कई लोग वास बोलते हैं तो वास भी लगा लेना। एनीवेज, यहाँ पर आपको सख्त फ्लैट व्हाइट वॉल्स मिलती हैं, इफ यू वांट टू चेंज अपनी तरह से कोई अमेंडमेंट्स वॉलपेपर लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉल सीलिंग देखेंगे बहुत ही सुंदर, सिंपल, सोबर, पूरा एक टेक्सचर्ड, एक व्हाइट कलर का एक्सटेंसिवली यूज किया गया है पूरे घर में। व्हाइट मतलब पॉजिटिव, व्हाइट मतलब पीस, व्हाइट मतलब सुंदर, ये वो वाला हिसाब किताब है। अब पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपका हेडबोर्ड आ जाएगा, यहाँ और इसके बीच में आपका हेडबोर्ड आके यहाँ तक कहीं आपका बेड खत्म होगा। अगर आप मेरे जैसे हाइट वाले हैं तो हाँ यहीं तक भी होगा, अगर छोटे हैं तो छोटा बेड होगा। एनीवेज, यहाँ पर आपका टेलीविजन आ जाएगा 65 इंच, एंड ये वो जो एरिया है जिसको अभी कवर करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, ये वो एरिया है विच इज द बैल्कनी, द बैक बैल्कनी। आइए, ये हल्दी चंदन वाला साबुन जिसमें, एनीवेज, सो नाउ हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम के मास्टर बाथरूम में। आइए, ये है स्टोरेज, अगेन बहुत बेइज्जती होते हुए ये भी लॉक्ड है। एनीवेज, क्योंकि लॉक्ड इसलिए है क्योंकि शायद कोई सामान रखा हुआ है, विच इज़ फाइन, वी रिस्पेक्ट दैट। अमेरिकन स्टैंडर्ड एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है, ये अच्छा बड़ा लंबा फुल साइज में आपको मिरर मिल जाता है बैकलेट के साथ, ताकि आप जब ऑलरेडी इतने सुंदर हो तो और भी सुंदरता आपकी बढ़ा देता है। यहाँ पर अगेन आपको मिलता है आपका शार एरिया, क्यूबिकल बहुत सुंदर, आइए ऊपर फैन, और पूरे घर में रेकॉर्ड के गीजर्स। आइए, हाँ हाँ, बड़ी ठंडी हवा लगी, ठंडी ठंडी हवा लगी, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, तो जहाँ हम खड़े हैं ये बैकयार्ड है, वेट एरिया साथ मिलता है, ये आप ग्रिल देख रहे हैं, ये देखो, ये तो कतई जूसा बना रखा, ये देखो, ये पूरा ऐसे ग्रिल मिलता है, सिक्योरिटी पॉइंट से मैंने पहले ही बताया था 100 out of 100 है, मैं कह रहा हूँ चोर देखते ही भाग जाएगा। आइए, ये है वेट एरिया सर, यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन आएगी, यहाँ पर आप अपने लंबे 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 पूरा धागे वागे लगा देना कपड़े सुखाने के लिए, किसी को कोई खबर नहीं होगी आप क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते, ये पूरा वो एरिया है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब खुला छोड़ सकते थे बिल्डर, समझ रहे हो, वही देखो समझदारी। आइए, होप यू एंजॉयड द हाउस टो एज मच एज आई एंजॉयड शूटिंग इट। एनीवेज, पॉइंट बीइंग, फटाफट कॉल करिए, हमारे पास इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, बहुत सारी इन्वेंट्रीज हैं, 215 300, हम बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आपका टाइम भी बचे और हमारा भी। जो स्टार्टिंग पॉइंट है सुशांत लोक 1 DLF फेज़ 1 या फिर DLF फेज़ 2 या 4, 215 गज या 200 गज के आसपास आप बजट जो है ना थोड़ा सा 180-ish लेके चलें सुशांत लोक 1 ऑनवर्ड्स, एंड देन गोइंग अहेड फिर हम आपको और भी ऑप्शंस दिखा सकें। बाकी ऐसा नहीं पुरानी ऑप्शंस नहीं है, पुरानी ऑप्शंस भी हैं, अगर पुरानी ऑप्शंस चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। On that note, please like, share and subscribe to our channel for good luck and support us. We do a lot of hard work and I swear, mummy kasam hum karte hain. So till that time, please take care of yourself and thank you for watching the video.